फिर सारे घर की सफाई हो गई थी, अलमारी के ऊपर की रह गई थी तकरीबन। तो मैंने आज सोचा कि सुबह सुबह क्यों ना, क्यों आज बाल धोने, उससे पहले पहले मैंने धूल मिट्टी वाला काम कर लूं। और मेरा पर्स के ऊपर की हालत देखो आप, कितना गंदा हो रखा है। दूसरे वाला तो मैंने फिर भी पॉलीथीन में डाल के रख दिया था, लेकिन ये मैंने सिर्फ ऐसे रखा, अंदर से भी धूल मिट्टी चढ़ी है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, पर्स की हालत देखो कैसा हो गया, ये यहाँ से मिट्टी चढ़ चढ़ के उतर जाएगी, सिर्फ साफ करने की बात जरूरत है। ये देखो वाओ मम्मा, आपका पर्स तो कितना सुंदर है मम्मा। ये वो तो मैंने डबल प्रोटेक्शन में रख रखा है, पहले बाहर ही ऐसे वाले पोल ऊपर, अंदर पॉलीथीन में, ऊपर ही, लेकिन ये वाला मैंने सिर्फ इसमें पैक कर दिया, लेकिन धूल चढ़ गई इतनी। फिलहाल भी मैंने ये साफ कर दिया है अंदर से ऊपर से यहाँ से। अब कोई पॉलीथीन ढूंढ लेते हैं जहाँ, जिसमें कि इसको पैक करके रख लूँगी सुंदर तरीके से डबल प्रोटेक्शन के साथ। मैंने अभी अलमारी के ऊपर की भी सफाई कर दिया, लेकिन उसके चक्कर में कितू गुस्सा हो गई मुझसे। मैं किस वर्षा की है, गांधी की। वर्षा को कब लेके गए थे आप गांधी डॉक्टर के? ये वर्षा का गांधी डॉक्टर के लेके गए उस समय की पर्चा है दवाइयों का। तो फिलहाल साफ सफाई हो गई, लेकिन उसके चक्कर में कितना गुस्सा हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर कलर रखे थे और पेंसिल रखी थी खूब सारी। हूँ करी मेरे को वो पेंसिल दो, तो जब दो तीन पेंसिल ऑलरेडी इसकी उसमें रखी है बैग में, तो फिर और पेंसिलों की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो होने तो इसे गुस्सा। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन बच्चों की हर जगह ना मानी जाएगी, इसलिए अपने काम पे लगो। क्लास शुरू हो गई, हाँ आधी क्लास निकल गई, 9:30 बज गए। नहीं पढ़ना, दोपहर के बज चुके हैं भाई 12:30, और मैं किचन में निकली बाहर। मुझे लगा कि किचन जो है वो थोड़ी गड़बड़ सी होती है, उसे ठीक कर देती हूँ, लेकिन ठीक करने की बजाय काम उल्टा हो गया। थोड़ी सी नमकीन रखी थी छोटे से पाउच में, और मैं वो मम्मी ने छलनों के बीच में लपेट पपेट के रख रखी थी, पता नहीं कैसे। मैं उठाने लगी, मैं सोची चलो साफ कर लेती, वो बीच में थी, वो सारी खिंड गई देखो यहाँ पे और ये सिंक के अंदर ना। एक काम करने जाओ अच्छा 10 काम बिगड़ जाए ना, वो वाला काम हो गया मेरे साथ। तो आज मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से निपटा के कंगी शंगी करूंगी थोड़ा सा किचन को, क्योंकि मम्मी ने आज किचन के नीचे की सफाई कर दी ना, तो नीचे से थोड़ा मोटा सामान उठा के मम्मी ने यहाँ रख दिया। यू टेम्परेरी भाई, थोड़े बाद में रख देंगे वो, बाद में मम्मी ने अभी बच्चों के साथ लग रही थी मम्मी काम कुम करके। मैंने सोचा चल मैं फ्री हूँ अभी, पर मैं कर देती हूँ काम। काम करना तो दूर था, फैल ही गया, और कुछ बच्चे फैला रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रखा है, हैं क्या है ये, और पानी कहाँ गिराया कि तू आपने पानी कहाँ गिराया? क्यों बेटा वहाँ पे तो आपने वो भी गेड़ रखा है, तकिया भी, क्या कबाड़ मचा रखा है वहाँ पे, हैं पोछा लगा के भी फेंका ही वहाँ, फेंक के तो आइए वो देखो पोछा लगा के। ए सही से कपड़ों के ऊपर क्यों लगा रहे हो पोछा? और आज इसका पैर ठीक हो गया है देखो, चलने भी लग गया, कल रात को तो नहीं चल रही थी लेकिन आज चलने लग गई है। रात को तो इतनी ओ रात को तो ये नहीं चल रही थी लेकिन अब चल रही है ना। थैंक यू कि तू पोछा लगाने के लिए। ओके रख दो, हैंड वॉश कर लो, चलो हैंड वॉश करो। कोई बात नहीं मम्मी, हेमकुंड साहब देख रहे नुकर रबर ऊपर से तिसल तिसल के आ रहे लोग, देखने दो, देखते रहो आराम से, मेरे को अपना काम करने दो। मेरा जो काम फैल गया इसमें, इसके नीचे भी है, क्या कहते हैं गैस के नीचे से भी, तो फिलहाल मैं साफ कर लेती हूँ।
फिलहाल भाई किचन तो समेट दिया, लेकिन घर में सारे में झाड़ू पोछा करने लायक कर दिया बच्चों ने। वहाँ पर नमकीन शमकीन गिरा रुके ना। और फिलहाल मैंने ग्रोसरी भी मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, वो भी आ गई है। तो मैं सोच रही हूँ अलमारी में रख देती हूँ। मैंने मंगाए थे ये बिस्किट, नमकीन और सर्फ का पैकेट ना, सर्फ का पैकेट 5 किलो सर्फ मंगाया था, क्योंकि पहले मंगाया था ख़त्म हो गया कम से कम 6-7 महीने पहले। सर्फ तो मम्मी मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है, ये मैं अलमारी में रख के आ रही हूँ, क्योंकि इन बच्चों ने ना सारा दिन खराब ही करना है देख देख के। देव ला बिस्किट भी दो। सर्फ का पैकेट बार बार रुड़क रहा है, उठा देना। बिस्किट और नमकीन ये मैं रख रही हूँ अलमारी में, क्योंकि डेली नहीं चाहिए होते नमकीन, हम बहुत कम खाते हैं। लेकिन क्योंकि अब दिवाली आने वाली है ना, फिर आएंगे बहुत सारे लोग, तो उनको सर्व करने के लिए मंगाई है स्पेशली मैंने नमकीन और बिस्किट, इसलिए मैं अलमारी में रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने वैसे भी ख़राब ही करना है। ये मांगेंगे तो डाल के दे दूँगी, अदरवाइज़ ख़राब करने के लिए नहीं है ना कोई ना, थोड़ी सी वैल्यू करनी चाहिए चीज़ों के, बच्चों को भी सिखाना चाहिए हमें। चलो कंघी कर लेती हूँ, मम्मी को बोल दिया मैंने चाय बना देगी, फिर लगाऊंगी झाड़ू झाड़ू, तब तक बच्चे अच्छे से बिखेर लेंगे जो बिखेरना होगा इन्होंने। अभी यहाँ सफाई में ये खाली हो गया, और देखो मैं यहाँ ये जो बाल्टी रखे ना इसमें चावल रखे हैं, चावलों की थैली, तो मैं सोच रही हूँ इनको इसमें डाल देती हूँ, ताकि वहाँ से वो बाल्टी उठा देंगे। क्यों क्यों क्या क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? छोड़ो इसे भाई, इसमें सामान रखना है तो आप क्या रखोगे? छोड़ो फिर इसे छोड़ो, ये बच्चे तो कुछ भी नहीं करने देते, काम ना धंधा कोई, इतना परेशान क्यों करते हो आप? हाँ जी बोल, लेके जाओ दीदी के साथ खेलो, चलो जाओ किरत दीदी के साथ। फिलहाल भाई झाड़ू लगा दिया है, और काम करते करते सुबह का 1 बज चुके हैं अभी, क्योंकि अभी तक सुबह वाला ही निपटा है ना, क्यों नहाई धोई फिर उसके बाद बच्चों ने दोबारा कूड़ा फैला दिया था, तो इसलिए अभी तक सुबह का काम निपटा है। आगे दरी बिछाया है क्योंकि कपड़े तय प्रेस करने हैं, तो कुछ कपड़े मैंने यहाँ निकाल लिए दो ड्रेस, और कुछ कपड़े यहाँ पर हैं, तो फिलहाल प्रेस कर लेती हूँ मैं। और उससे पहले भी मेरा काम है ऑनलाइन वाला ना, कुछ ज्वेलरी आई हुई है वो पेज पर अपडेट भी करनी थी, इतना सारा काम है। प्रेस प्रूस करके खाना पीना खाया, और मैं जो है ये पार्लर से काम मिला था ये करने लग गई थी, क्योंकि ये दोनों सो गए थे, और एक पेज लिखा था मैंने, और इतनी देर में सिम उठ गई। मैंने सोचा इसे दूध दाँत पिला देती हूँ सो जाएगी, लेकिन नहीं सोई, मैं बाहर लिख रही थी बैठ के छज्जे पे, लेकिन फिर ये उठी तो मैं अंदर आ गई। अब फाइनली जो है मैं यहाँ कमरे में ले ही आई अपना सामान, मैं बैठ के कर लेती हूँ, करने पता नहीं देगी कि नहीं, इतनी परेशान कर रही है, पेन के पीछे भाग रही है। मैं दूसरी डायरी और दूसरा पेन दे रही हूँ, ठीक है ठीक है, दूसरी डायरी और दूसरी पेन दे रहे हैं भाई, बस उसमें करेगी मैं इसमें करूँगा। हाँ कौन सा वाला चाहिए? ठीक है वो दे रही हूँ, ठीक है चलो ठीक है डन है भैया, इसको दूसरा देते हैं, आप अपना काम करते हैं। ठीक है के बच चुके हैं भाई 10, और फिलहाल जो है खाना पीना धोना बर्तन वर्तन सब कुछ कम्प्लीट हो गया। मम्मी ने पीछे से मेरे मतलब मैं पार्लर गई थी वहाँ लगा दिया कपड़ों का ढेर, तो फिलहाल अभी मैं समेट देती हूँ कि सुबह से सही है कि अभी काम करके सो जाओ वो ज़्यादा बेटर है। तो कुछ कपड़े उसमें प्रेस करे थे मैंने वो है, और कुछ मम्मी ने जो है आज धोए थे वो बच्चों के उतारे हैं तो वो तय करके रखे हुए, तो इन्हें आप भी निपटा देते हैं। अपने ने रख दिए हैं सारे कपड़े, और फिलहाल आज का व्लॉग यही था। अब मैं पी रही हूँ दूध, और फिर उसके बाद सो जाएंगे, थकावट हो रही है क्योंकि दिन में बिल्कुल भी नहीं सोई, क्योंकि पार्लर से जो काम मिला होता उसी को करते करते मैं 2:30 बजे के आसपास लगी थी, 5 बज गए थे, तो अब क्योंकि लिखने का ना काफ़ी समय से छूटा हुआ है, लास्ट टाइम MA के एग्ज़ाम दिए थे, उसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते भी हैं तो वो तो ज़्यादातर क्या है ना डिस्क्रिप्टिव नहीं होते, ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उसमें तो सिर्फ सर्कल फिल करने होते हैं ना, तो लिखने वाली जो है ना वो छुट्टी हुई है, तो इस वजह से बहुत टाइम लग गया था उसको लिखने में। और उसके बाद मैं सीधा पार्लर चली गई थी, पार्लर से आई फिर मैं बाहर गई गोलगप्पे खा के, और आने के बाद फिर रोटी वोटी बनाई, और रोटी वगैरह बना के जब से मैं काम पे लगी हुई थी, बर्तन साफ़ करे पापा आ गए, फिर पापा की रोटी बनाई, फिर पापा के बर्तन साफ़ करे, और फिलहाल अब जब मैं इससे पहले शूट किया था 10 बजे तब फ्री हुई थी,
सवा दस हो गया, मैंने कपड़े थर रख लिए हैं और ये तीन थैले रख के आने हैं। आज मुझे टाइम नहीं लगा, जब हम फ्री थे तब मम्मी लेट गई और मैं लिखने लग गई थी, बच्चे जब सो। अब फिलहाल देखो कल रख दूँगी इनको। तो चलिए यही था आज का हमारा ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग्स।